नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। तारीख है 20 जून और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर है। फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं। और वो इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले से एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। आप सभी को पता है कि COVID-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कई सारे श्रमिक अपने अपने प्रदेशों को लौट आए, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात जैसे बड़े राज्यों में काम करने वाले श्रमिक उत्तर प्रदेश और बिहार में लौट आए हैं, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का रोजगार छिन गया है। ऐसे में सरकार की पूरी मंशा ये है कि उनको रोजगार प्रदान किया जाए और ये रोजगार उनको कहीं दूर ना प्रदान हो, वो कहीं अपने घर के आसपास ही इस रोजगार को प्राप्त करें। ऐसे में मनरेगा में भी कुछ फंड डाले गए हैं जिसकी वजह से रोजगार को उत्पन्न किया जा सके। इसके अलावा एक और योजना का शुरुआत किया जा रहा है और उस योजना का नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत आज से ही 20 जून को की जा रही है। भारत सरकार द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के ग्राम तेलियर से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया जाएगा। यह एक विशाल ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना है जो वापस आने वाले प्रवासी श्रमिकों सहित ग्रामीण नागरिकों को सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के काम करेगी। इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जोड़ा जाएगा और एक नेटवर्क बनाया जाएगा। जिन राज्यों में यह योजना शुरू की जाएगी, उन राज्यों में अभी शुरुआत में 6 राज्य लिए गए हैं, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। जबकि इस योजना की शुरुआत बिहार के खगड़िया जिले से किया गया है। गरीब कल्याण योजना या गरीब कल्याण रोजगार अभियान 125 दिन तक चलने वाला एक सघन अभियान होगा जो मिशन मोड में काम करेगा। ये 12 विभिन्न मंत्रालयों विभागों जैसे ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, दूरसंचार, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा और सीमा सड़कों का एक साथ समन्वित प्रयास होगा। इससे दो चीजें का फायदा होगा। इससे फायदा ये होगा कि जहां एक ओर किसानों को या गरीब प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा, उसके अलावा जो भी कार्य, निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहे थे, खासकर इन डिपार्टमेंट में, इन मंत्रालयों में, उनमें कहीं ना कहीं तेजी आएगी क्योंकि श्रमिकों को इन काम पर लगाया जाएगा और ये किया जाएगा कि 125 दिन का कम से कम उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। जबकि आपको पता है कि मनरेगा के तहत जो रोजगार मिलता है वो 100 दिन का होता है, लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी में भी बढ़ोतरी की गई है। जहां 182 रुपए मिलते थे, अब वहां पर 202 रुपए प्रति कार्य दिवस के लिए दिए जाएंगे। फिर आपको जो याद रखने वाला पॉइंट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और कब हुई, तो इसकी शुरुआत 20 जून 2020 यानी आज ही के दिन से, आज ही ये शुरू हो रहा है और ये शुरू हुआ है बिहार के खगड़िया जिले से। इस अभियान में 50,000 करोड़ रुपए का फंड डेवलप किया गया है और एक तरफ प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के 25 कार्यों का तीव्र और केंद्रित होकर क्रियान्वयन होगा, वहीं दूसरी ओर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का भी निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे थोड़ा सा जो विकास कार्य है उनमें तेजी आएगी। अब बिहार, क्योंकि ये योजना बिहार से शुरू हो रही है, तो थोड़ा बिहार का करंट अफेयर देख लेते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है ये देखने में दिक्कत हो रही होगी, उनके लिए, आपके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिए। अदरवाइज फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप केवल सुन लो, उसके बाद पीडीएफ जो आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां पर जाके आप इसे दोबारा पढ़ सकते हो। बिहार की बात करें तो बिहार जो है, बिहार में अभी हाल ही में एक जगह है भागलपुर, कई सारे लोग होंगे भी जो भागलपुर से ये देख रहे होंगे, वहां अपने तरह का कछुओं का लिए एक पुनर्वास केंद्र खोला गया, यानी भारत का पहला कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र जो है वो आपका कहां खोला गया, बिहार के भागलपुर में। जबकि हाथियों के लिए अपने आप का एक स्पेशल अस्पताल खोला गया था उत्तर प्रदेश के मथुरा में, ऊंटों के लिए अस्पताल सऊदी अरब में। उसके अलावा बिहार सरकार ने अभी हाल ही में प्यार का पौधा नाम का एक कैंपेन शुरू किया था, अभियान शुरू किया था, ताकि प्लांटिंग यानी कि पौधारोपण को बढ़ावा दिया जा सके। पौधारोपण से याद आया कि विश्व पर्यावरण दिवस
अभी हमने मनाया था, कब मनाया था, 5 जून को, उसकी थीम याद कर लीजिए, टाइम फॉर नेचर। क्योंकि जब मैंने आपको ये एनवायरमेंट डे पढ़ाया था तब उस टाइम थीम अनाउंस नहीं हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में थीम अनाउंस कर दी गई है। इसका इस बार का जो थीम है विश्व पर्यावरण दिवस की है वो है टाइम फॉर नेचर, जबकि पहले जो 2019 की थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी, और इस बार इसको चेंज किया गया था सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। तो दोनों ही अगर ऑप्शन में रहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर बायोडाइवर्सिटी आ जाए तो वो ठीक रहेगा, और अगर टाइम फॉर नेचर आ जाए तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले अनाउंस नहीं हुआ था, बाद में अनाउंस हुआ। आगे चलते हैं। म्यांमार के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति यू विन मिंट अभी हाल ही में बोध गया आए थे 2 दिन की यात्रा पर। फेसबुक द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था वी थिंक डिजिटल, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो साइबर अपराध होते हैं, उनकी साइबर बुलिंग होती है, कोई भी आता है व्हाट्सएप पे कमेंट कर देता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, उनमें महिलाओं के नंबर निकाले जाते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, तो इस तरह का कोई भी अगर बुलिंग वगैरह हो तो उसके लिए एक कैंपेन चलाया था फेसबुक ने वी थिंक डिजिटल। ये भी बिहार के ऊपर बेस्ड था। बिहार की राजधानी है पटना, चीफ मिनिस्टर वर्तमान समय में नीतीश कुमार है। किसी ने मुझसे कहा था कि सर इनकी पार्टी का नाम जरूर बता दिया करिए कि किस राज्य में किस की सरकार है। तो यहां पर जनता दल यूनाइटेड JDU, जिसे जदयू भी कहा जाता है, उसके मुख्यमंत्री हैं ये, उसके अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, नेशनल पार्क वाल्मीकि नेशनल पार्क की जब आपको बातचीत की जाए तो आपके नाम, आपके मन में बिहार का चित्र उभरना चाहिए। स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो, जिसे हम लोग गौरैया भी कहते हैं, स्टेट एनिमल गौर, गौर कई राज्यों का राजकीय पशु है। स्टेट फ्लावर कचनार, यह कचनार भी कहते हैं। स्टेट फ्रूट मैंगो, स्टेट ट्री यानी कि राजकीय पेड़ आपका पीपल है। बिहार दिवस 22 मार्च 1912 को बिहार को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि लोकसभा में यहां पर 40 सीटें हैं और राज्यसभा में आपको 16 सीटें बिहार से देखने को मिलेंगी। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो यहां से थोड़ा सा कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको आज हो सकता है कि थोड़ा सा ना दिखाओ, लेकिन मैं कल से इस बात का ध्यान रखूंगा कि ये आपको दिखाई दे। अगली जानकारी है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में 41 कोल माइंस का ऑक्शन कर दिया है, यानी कि इनकी इनका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उसकी बोली लगवाई गई। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए, वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। अब नीलामी प्रक्रिया क्यों हुई, सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास सरकारी ढांचा इतना मजबूत नहीं था कि इसको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ा। आप समझ रहे हैं कि 41 कोल ब्लॉक जो है, जिनमें से झारखंड के 16 कोल ब्लॉक हैं जिनकी नीलामी की गई है ऑनलाइन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब कोयला खनन भारत में शुरू हुआ था, अभी पूरा इतिहास बताऊंगा आपको, कि कोयला खनन जब भारत में शुरू हुआ था तब भी निजी कंपनियों के हाथों में था, फिर उसके बाद उसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब एक बार फिर से इस राष्ट्रीयकरण का निजीकरण किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सरकारी कर्मचारियां हैं या सरकारी कंपनियां हैं, उनके उनके ऊपर जो लगाम रहती है वो सरकारों की रहती है, खासकर राज्य सरकारों की रहती है, जिसकी वजह से जो कोयला उत्पादन किया जाना चाहिए वो नहीं किया जा सकता। भारत में इतना बड़ा कोयला भंडार है, अगर आप उत्पादन की दृष्टि से देखें तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले का, लेकिन फिर भी हमें कोयला आयात करना पड़ता है, जबकि हम कोयले का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। हमारे पास जो कोयला है वो इतना पर्याप्त भंडार है कि हमें कोयला आयात नहीं करना, हमें ऊपर से निर्यात भी कर सकते हैं हम कोयले का। तो हाल फिलहाल फिक्की के सहयोग से कोयला मंत्रालय ने कोयला खान अधिनियम और खान खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। इस नीलामी से अगले 5 से 7 वर्षों में 33,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को आमंत्रित करने की उम्मीद है, क्योंकि जो कंपनियां अभी तक सरकारी रूट होने की वजह से, गवर्नमेंट रूट होने की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, उनके पास एक विकल्प खुल के आ गया है। इसके अन्य लाभों की चर्चा करते हैं। कोल ब्लॉक नीलामी से देश को क्या लाभ होगा? 225 मीट्रिक टन की अधिकतम अनुमानित उत्पादन क्षमता अगर भारत की हो जाए तो 2025-26 में देश के कोयले का कुल अनुमानित उत्पादन में 15% योगदान हो जाएगा, यानी अभी हम जितना उत्पादन कर रहे हैं उसका 15% उत्पादन और ज्यादा होने लगेगा। 2.8 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे और इसमें तकरीब 70,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग 2,10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। देश के अगले 5 से 7 वर्षों के दौरान 33,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की उम्मीद है, क्योंकि जो नीलामी की जाएगी उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए जो सारी चीजें लगेंगी, इक्विपमेंट्स लगेंगे, तो इस तरह से जो निवेश होगा भारत में वो 33,000 करोड़ रुपए तक का निवेश होने की संभावना है। प्लस विदेशी कंपनियां आएंगी, क्योंकि इसको 100% FDI रूट में रखा गया है,
100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो सकता है, जिसकी वजह से कई सारी विदेशी कंपनियां भी आकर भारत में कोयले का खनन कर पाएंगी और इस वजह से कई नई अंतरराष्ट्रीय कार्यप्रणाली, आधुनिक तकनीक और खनन कार्यों में मशीनीकरण की संभावना भी हमें प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि भारत में कोयले का खनन अभी शुरू हुआ है, भारत में कोयले का खनन का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिम किनारे पर स्थित रानीगंज, जो कि पश्चिम बंगाल में है, में कोयले का वाणिज्यिक खनन आरंभ किया था। भारत में अभी वर्तमान में विश्व का 4.7% कोयला उत्पादन होता है और ऐसे में भारत विश्व के तीसरे नंबर पर कोयला उत्पादन श्रेणी में आता है। भारत में लगभग 301.6 अरब टन कोयला रिजर्व होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें 260 अरब टन गैर खाना पकाने वाला कोयला है, जिसे खाना नहीं पकाया जा सकता क्योंकि इससे जहरीली गैसें उत्पन्न होती हैं, जिसका उपयोग हम मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में कर सकते हैं, सीमेंट उत्पादन में कर सकते हैं और उर्वरक उत्पादन में कर सकते हैं। झारखंड 80,716 मिलियन टन कोयले के अनुमानित भंडारण के साथ देश में कोयला आरक्षित राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे ज्यादा जो रिजर्व है वो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। धनबाद जिले के जरिया खदान राज्य की मुख्य कोयला खदानों में से एक है। चतरा जिले की मगध खदानों को 2019-20 तक एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होने की उम्मीद है। 75,073 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ उड़ीसा दूसरा सबसे बड़ा कोयला आरक्षित क्षेत्र है। राज्य में अंगुल और झारसुगुड़ा जिलों में मुख्य कोयला खदानें हैं, जबकि छत्तीसगढ़ 52,533 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ कोयला आरक्षण के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र में आता है। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, काफी सारी चीजें आपको यहां पर बताई जा रही हैं। आप थोड़ा सा ध्यान के पढ़ेंगे, जैसे कि किस राज्य, कौन सा राज्य ऊपर है, वहां पे कौन सा एरिया जो ऊपर एरिया है जो कोयले के उत्पादन के लिए प्रमुख है। वर्ष 2015-16 में अनुमानित 638.5 मिलियन टन कोयले के उत्पादन किया गया था और कोयला उत्पादन के संदर्भ में इस बार भी छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 127.095 करोड़ टन उत्पादन के साथ सूची में सबसे ऊपर आया है, जबकि झारखंड 113.14 मिलियन टन 0.014 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है और उड़ीसा इस मामले में तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अब चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। कोयला से एनर्जी आती है और अब एनर्जी के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अगर देखा जाए तो किसी कोई देश कितना समृद्ध है वो कहीं ना कहीं उसके एनर्जी कंजम्पशन से भी पता चलता है। देश जितना समृद्ध होगा वहां के लोग उतना ज्यादा ऊर्जा का खपत करेंगे, उतना ज्यादा एसी में रहेंगे, उतना ज्यादा पंखा चलाएंगे। तो अगर देखा जाए तो भारत इस मामले में काफी ऊपर आता चला जा रहा है और लगातार उसकी जो ग्रोथ रेट है वो चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन अभी जो ऊर्जा कंजम्पशन है हमारे पास, उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसे बीपी सांख्यिकी समीक्षा के अनुसार 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की ऊर्जा खपत चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी रही है। यानी हम चीन और अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत करने वाले लोगों में हैं और हमारे यहां पर कैपिटा जो ऊर्जा की खपत है वो 1181 किलोवाट आवर है। ये एक इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, इसको जरूर याद रखना चाहिए आप लोगों को कि एक व्यक्ति हमारे यहां कितनी ऊर्जा खा जाता है, एक घंटे में 1181 किलोवाट, लगभग एक यूनिट। जहां विश्व प्राथमिक ऊर्जा की खपत 583.exajoule तक पहुंच गई है, एक्जा का मतलब होता है 10^18 तक पहुंच गई है, वहीं भारत की खपत 2.3% बढ़कर 34.06 exajoule हो गई है। आपको एक बात याद रखनी है कि भारत जो है वो दूसरे नंबर पर है जिस तरीके से वो ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ सबसे तेज चाइना की है, ऊर्जा खपत मामले को बढ़ा रहा है, दूसरे नंबर पे भारत है। जबकि अगर आप खपत की बात करें तो पहले नंबर पे चाइना है, दूसरे नंबर पे यूएस है और तीसरे नंबर पर भारत मौजूद है। कुछ दिन पहले अभी हमें पता चला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ऊर्जा खपत के मामले में पर कैपिटा ऊर्जा खपत के मामले में हम 106वें नंबर पर आते हैं, यानी 106वें नंबर पर मारते हैं। मतलब आलम यह है कि अगर हम ऊर्जा उत्पादन की बात देखें तो हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही एक मेन एनर्जी कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में अगर हम देखें तो हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं।
प्रोडक्शन के मामले में, और पर कैपिटा यानी कि एक व्यक्ति को कितनी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी, उस मामले में हम 106वें नंबर पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन के मामले में देखा जाए तो चाइना विश्व के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद यूनाइटेड स्टेट, तीसरे नंबर पर भारत है, चौथे नंबर पर रशिया है, पांचवें नंबर पर जापान है, छठे नंबर पर कनाडा है, सातवें नंबर पर जर्मनी है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऊर्जा संतुलन नहीं है, ऊर्जा संतुलन नहीं है मतलब कि जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उस हिसाब से लोगों को मिलनी भी चाहिए। तो हमारे यहां हम एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री हैं, क्योंकि जितनी लोगों को चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहता हूं? मैं ये समझाना चाहता हूं कि मान ठीक है बहुत उगा रहे हैं हम, बहुत ज्यादा पैदावार है हमारे यहां, बहुत सारी पैदावार है, लेकिन फिर भी हम भूखे हैं, फिर भी हमारा जो है हर एक आदमी का पेट भर नहीं पा रहा है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं, तो यह याद रखिएगा कि कंजम्पशन के मामले में हम तीसरे नंबर पर हैं। भारत नेपाल सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नेपाल ने भारत के तीन हिस्सों को अपने नक्शे में दिखाया, फिर उसको संसद से पारित कराया और उस पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर भी ले लिए। भारत ने इस खबर को काफी हल्के में लिया है कि जो 395 वर्ग किलोमीटर का एरिया उन्होंने कवर करके दिखाया कि वो नेपाल में है। भारत ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तीनों एरिया हमारे कब्जे में है, हम वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इस वजह से हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेपाल की जो राजनीतिक पार्टी है वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारे काम कर रही है। फिलहाल घटनाक्रम कुछ इस तरीके से है कि भारत के विरोध के बावजूद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने देश के नए नक्शे को अपनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह नेपाली संविधान का हिस्सा बन गया है। इससे पहले नेपाल के ऊपरी सदन ने विधेयक को पास कर दिया था, संसद के उच्च सदन ने उसे सर्वसम्मति से पारित किया और एक भी वोट इसके खिलाफ नहीं पड़ा था। 18 जून 2020 को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी हस्ताक्षर कर दिए। भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने तीन भारतीय इलाके लिपू लेक, काला पानी, लिंपिया धुरा को अपने क्षेत्र में दर्शाया है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण संबंधों को बहुत बड़ा झटका लगा है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं, देख लेते हैं जरा ये है कहां पर। आप देख पा रहे होंगे ये आपको उत्तराखंड नजर आ रहा है, नीचे अपना उत्तर प्रदेश है, ये नेपाल का नक्शा है और ये ऊपर की ओर तिब्बत वगैरह शुरू हो जाता है। तो नेपाल का ये जो एरिया है ये लिपू लेक है, नेपाल कह रहा है ये हमारे अंदर है और ये हमारा धारचूला के अंतर्गत आता है। विवाद अचानक से क्यों शुरू हुआ? 8 मई को भारत ने लिपू लेक धारचूला सड़क का उद्घाटन किया और आपको मैं बता दूं BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम इस टाइम काफी तेजी से चल रहा है और जितनी भी सीमाएं हैं हमारी, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ हो, चाहे वो चीन की तरफ हो, चाहे वो नेपाल की तरफ हो, सभी सीमाओं पर भारत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है ताकि जो हमारे सैनिक हैं वो आराम से वहां पर अपनी गश्त लगा सकें, आराम कर सकें और रिलैक्स वे में अपना सारा कामकाज कर सकें। जिसकी वजह से चीन को भी ये दिक्कत हुई, गलवान घाटी में भी यही काम हुआ प्योंगयांग झील के पास, और यहां पर भी यही दिक्कत हुई। 18 मई को नेपाल ने नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें तीनों इलाकों को अपने हिस्से में बताया। भारत नेपाल की विवादित सीमा पर काला पानी है, इसी के पास पश्चिम में लिपू लेक दर्रा है। भारत का काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा बताता है जबकि नेपाल इसे अपने धारचूला जिले का हिस्सा बताता है। तो ये विवाद जो है ये चर्चा में है और हाल फिलहाल अब इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है नेपाल की तरफ से, जबकि भारत की तरफ से जो बयान है आधिकारिक उसमें ये कहा गया है कि ये कोई खास चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि उन जगहों पर हमारा कब्जा है और जब कभी नेपाल आएगा तो फिर देखा जाएगा। अगली जानकारी है AIIB। एक तरफ चीन हमें आंखें दिखा रहा है और दूसरी तरफ उसका समर्थित बैंक यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को $750 मिलियन यानी लगभग 5,688 करोड़ रुपए का ऋण देने की मंजूरी प्रदान की है। ऐसा इसलिए COVID-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए किया गया है। AIIB का जो मुख्यालय है वो आपका बीजिंग चीन में है। वर्तमान समय में जिन लिंग यहां AIIB के प्रेसिडेंट हैं। इसकी स्थापना जून 2014 में की गई थी, बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। अगली जानकारी तब चलते हैं, विक्ट्री डे परेड। भारत द्वितीय विश्व युद्ध की 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए अपनी तीनों सेनाओं को एक सैन्य दल को रूस भेजने वाला है। भारत तीनों सेनाओं से बने अपने 75 सदस्यीय सैन्य दल को परेड में भाग लेने के लिए भेजेगा क्योंकि रूस के रक्षा मंत्री ने मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है।
मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस के परेड में अन्य देशों के सैन्य दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में 24 जून 2020 को एक आयोजन आयोजित कर रहा है, जिसमें वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मॉस्को में एक सैन्य परेड का आयोजन किया जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो जिसे हम वर्ल्ड वॉर टू भी जानते हैं, ये 1 सितंबर 1945 से शुरू होकर 1939 से शुरू होकर 2 सितंबर 1945 तक चला। इसमें दो मुख्य दल थे, एक को मित्र राष्ट्र कहा जाता है और एक को धुरी राष्ट्र कहा जाता है, यानी एक को एक्सिस पावर कहा जाता है और एक को एलाइज कहा जाता है। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान थे, जबकि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट, सोवियत यूनियन और थोड़ा बहुत आपका चाइना भी इसमें शामिल था। ये मित्र राष्ट्र थे जिनके बीच में ये युद्ध हुआ और ये संसार का पहला ऐसा युद्ध है और शायद भगवान करेगी ये आखिरी ऐसा युद्ध हो जिसमें परमाणु बमों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें जापान के ऊपर 2 परमाणु बम गिराए गए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है कर्नाटक सरकार ने 18 जून को मास्क डे घोषित किया था। कर्नाटक सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य मास्क डे का या मास्क दिवस मनाया गया। राज्य में कोविड 19 को फैलने से नियंत्रित करने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और इससे हाथ धोने के बारे में जागरूक करने के लिए मास्क दिवस मनाया गया। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों को पालन करने का भी आग्रह किया गया था। इसमें अनिल कुंबले ने भी भाग लिया था। कर्नाटक सरकार ने मास्क डे के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया, जिसमें जनप्रतिनिधियों, गणमान्य व्यक्तियों और चिकित्सा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। इस रैली के माध्यम से प्रतिभागियों ने कोविड 19 के जारी निर्देश किए गए राष्ट्रीय निर्देशों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाई। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मास्क डे कहां ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया है आपका कर्नाटक में। इसकी जो थीम रखी थी उन्होंने बी काइंड मास्क एंड बाइन। अगली जानकारी है 18 जून को न्यूज फटाफट में गोवा क्रांति दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 18 जून को गोवा क्रांति दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1946 में आज ही के दिन स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दक्षिण गोवा के मडगांव में गोवा वासियों को राज्य को पुर्तगालियों से शासन से मुक्त कराने का आह्वान किया था। लेकिन भारत के आजाद होने के 14 साल बाद तक भी गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन रहा और 19 दिसंबर 1961 को इसको आजादी मिली। इसीलिए 19 दिसंबर को हर साल हम गोवा का मुक्ति दिवस मनाते हैं, जबकि 18 जून को हम गोवा का क्रांति दिवस मनाते हैं। अगली जानकारी है विश्व क्रोकोडाइल डे, यानी कि विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लुप्त प्राय मगरमच्छों और मगरमच्छों की दुर्दशा को उजागर करने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल जो है ये मगरमच्छों की जाति को बचाने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसके अलावा एक मैंने स्लाइड प्रिपेयर की है जिसमें काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसे एक बार जरूर रीड कर लेना, क्योंकि नेशनल पार्क से जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं। क्योंकि क्रोकोडाइल का नाम आया तो मुझे लगा कि क्रोकोडाइल परियोजना कब शुरू हुई थी। जैसे ही मैं क्रोकोडाइल परियोजना खोजने लगा तो मुझे बहुत कुछ मिला। तो घड़ियाल परियोजना जो है इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी ताकि जो मीठे पानी के घड़ियाल हैं उनको बचाया जा सके, और अब देखा जा रहा है कि कई सारे घड़ियालों को बचाया जा चुका है। और अभी हाल फिलहाल खबर आई थी कि जो इनका कुनबा है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, तो जिम कार्बेट, नैनीताल, उत्तराखंड। वर्तमान में देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 100। वर्तमान में देश में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, 514। वर्तमान में देश में कितने संरक्षण रिजर्व हैं, 43। वर्तमान में देश में कितने समुदाय रिजर्व हैं, 4। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्य जीव अभयारण्य है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, मध्य प्रदेश। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार, केरला। दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, यह आपका जम्मू कश्मीर में है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के प्रतीक प्राकृतिक आवास है, जंगली हाथी। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां बनाया गया है, बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु, कर्नाटका। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, काजीरंगा अभयारण्य में। बुक्सा बाघ परियोजना किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, पांडा। एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल में। देश में हंगुल परियोजना कब शुरू हुई थी, हिरन परियोजना है जिसे हिरन परियोजना भी कहते हैं, 1970 में। शेर परियोजना शुरू हुई थी 1972 में, एक साल बाद शुरू हुई,
बाघ परियोजना 1973 में, गैंडा परियोजना कब शुरू हुई 1987 में, हिमचीता परियोजना 1987, मगर प्रजनन परियोजना 1975, लाल पांडा परियोजना 1996, हाथी परियोजना 1991। सबसे अधिक बाघ संरक्षित स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। भारत में किस राज्य में को टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है? तो उसे मध्य प्रदेश जाना जाता है। वर्ल्ड कोकोल डाइट डे हमने देख लिया। हाँ, अगली जानकारी है विनर्स ऑफ 2020 सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुने गए हैं पाब्लो अलबरंगा। ये पुरस्कार उस इमेज को दिया जाता है, उस फोटो को दिया जाता है जो देखने में ही अच्छी ना हो, अच्छी तरीके से क्लिक ना की गई हो, बल्कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दे रही हो। तो जिन्हों जिस फोटो को ये अवार्ड मिला है, वो फोटो का नाम रखा गया है सीट्स ऑफ द रेजिस्टेंस 3। ओपन फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया है टॉम ओल्डमैन को, और उनका टाइटल है ब्लैक फ्रांसिस। इसके अलावा जॉन बॉल्टन, जो कि आपके अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा सलाहकार रहे, यानी सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, उन्होंने कुछ खुलासे करने वाली एक बुक लिखी है और इसका प्रकाशन बहुत जल्दी किया जाने वाला है, और इसका प्रकाशन हो गया, सॉरी, इसका विमोचन किया जाने वाला है। द रूम वेयर इट हैपेंड, ए व्हाइट हाउस मेमोरियल, जॉन बोल्टन का एक आगामी संस्मरण है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्य किया था, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप को एक भ्रष्ट, खराब तरीके से लापरवाह नेता के रूप में दर्शाते हुए अगले सप्ताह एक शानदार किताब प्रकाशित करने की योजना बनाई जा रही है, जिन्होंने अपने कार्यकाल की शक्ति, कार्यालय की शक्ति का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक जरूरतों को आगे बढ़ाने के लिए किया था। द रूम वेयर इट हैपेंड, रिटन बाय जॉन बोल्टन। याद रखिएगा, यह किताब काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। आज के वन लाइनर पे चलते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? 41। बीपी संघ की समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत की स्थिति क्या रही? तीसरे नंबर पर आया है भारत। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है? तो बिहार के खगड़िया जिले से। भारत के कड़े विरोध के बावजूद नक्शे में नेपाल ने कितने भारतीय इलाकों को दर्शाया है? 3 को दर्शाया है, लिपुलेख, कालापानी और लिंबुधरा। AIIB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की बात की है? 750 मिलियन डॉलर की। रूस द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की कौन सी वर्षगांठ मनाने जा रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। किस राज्य सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क दिवस मनाया गया? कर्नाटक। और प्रत्येक वर्ष गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया गया? 17 जून को। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। भारतीय प्रधानमंत्री ने वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? 41। ये अच्छी तरीके से याद हो जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। बीपी सांग की समीक्षा के अनुसार 2019 में ऊर्जा खपत के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। भारत सरकार द्वारा बिहार के किस जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया? तो यह बिहार के खगड़िया जिले से, जबकि बिहार के भागलपुर में आपका कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद नए नक्शे में नेपाल ने कितने इलाकों को दर्शा दिया है? तो उन्होंने 3 भारतीय इलाकों को अपने नक्शे में दर्शाया है। AIIB ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो 750 मिलियन डॉलर की। AFC महिला एशियन कप 2022 की मेजबानी का अधिकार एशियन फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस बार भारत को दिया गया है। नॉट इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप याद रखिए कि AFC महिला एशियन कप जो भी होने वाले हैं फुटबॉल वाले, वो सारे के सारे भारत ही में होने वाले हैं। रूस द्वितीय विश्व युद्ध की विजय की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो वो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, और उसके लिए उसने कई सारे देशों के सैन्य दल को अपने यहां आमंत्रित किया है। किस राज्य सरकार द्वारा 18 जून 2020 को समूचे राज्य में मास्क दिवस मनाया गया? कर्नाटका। किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मोबाइल लैब लॉन्च की है। यह भारत की अपने तरफ की पहली मोबाइल लैब है, जो कि एक वैन के ऊपर डेवलप की गई है। प्रत्येक वर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ऑटिस्टिक प्राइड डे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष गोवा क्रांति दिवस कब मनाया जाता है? गोवा क्रांति दिवस प्रत्येक वर्ष 18 जून को मनाया जाता है। विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मगरमच्छ दिवस हर साल 17 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बाद में हमने कुछ न्यूज देखी है, बस वो एज ए उसमें वन लाइनर के फॉर्म में उनको याद कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।